आईएमए की ओर से केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में बुलाए गए हड़ताल का असर राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पे भी दिखा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर आज एक दिवसीय हड़ताल में है। कारण साफ है, केंद्र सरकार का जो फैसला था कि जो आयुष चिकित्सक हैं उनकी बराबरी में के दौर में इनको एलियोपैथी की दौर में उनको भी ऑपरेशन करने की इजाज़त होगी और तमाम तरह की बातें होंगी। कई लोग बाहर से आए हुए, आप कहाँ से आए हुए हैं? बाबा धाम से। देवघर। बाबा धाम से। आपको, आप खुद पेशेंट हैं? जी। आज जो डॉक्टर को दिखा पाए? नहीं। मालूम है कुछ क्या है? ये मालूम नहीं। आज जो है हड़ताल है, इसलिए हम लोग आज वेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को आज रुकना पड़ रहा है। नहीं तो आज दिखा के हम लोग वापस घर जाते, कारण एक रिपोर्ट दिखा देने में उनको 10-12 दिन टाइम लगेगा। और आज जो है हड़ताल के कारण आज दिखा नहीं पाए। सर बोले कल मिलेंगे। कल से मालूम था कि हड़ताल है आज? नहीं, पहले नहीं मालूम था, आज मालूम हुआ कि आज हड़ताल है। जी, पहले नहीं मालूम था। पहले नहीं मालूम था। एक तरह से कहा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके पास सूचनाओं की पहुंच उतनी नहीं होती है, और जो लोग होते हैं वो परेशान किस कदर होते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और एक परिवार है। आप कहाँ से आए हैं? गोड्डा से। क्या करने आए? ये आरटी सेंटर में दिखाने आए थे। दिखा पाए? नहीं दिखा पाए। मालूम है कि क्या? वो नहीं मालूम। आज हड़ताल है मालूम? हाँ, आज ये मालूम नहीं था हम लोग को हड़ताल है। आज मालूम रहता तो आज नहीं आते? नहीं, मालूम रहता तो नहीं आते। आप खुद पे? नहीं। हाँ हाँ नहीं बोलते हैं। हाँ, परेशानी हुई आज डॉक्टर नहीं देख पाए? हाँ, बहुत दूर से आए हैं गोड्डा से। ये लोग इंतज़ार करेंगे, अब शायद आज के दिन जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि आज जो घर जाने की बात तो दूर, आज बिना दिखाए लोग अपने अपने घरों को रवाना भी नहीं होंगे। आप कहाँ से आए? गोड्डा से। गोड्डा से। डॉक्टर को दिखाने आए थे? हाँ, डॉक्टर को दिखाने। बालक मेरा छत से गिर गया। अच्छा अच्छा, मतलब परेशानी है? हाँ, ये आप देख सकते हैं लोगों को परेशानी है, और ऐसे में केंद्र सरकार और डॉक्टरों की इस लड़ाई में बेचारे मरीज पीसते हैं। और डॉक्टर इमरजेंसी के तौर पे तो लेते हैं, लेकिन जो ओपीडी में इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वो आज ठप पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और कल सुबह का जब सवेरा होगा तब ये डॉक्टरों को दिखा पाएंगे और डॉक्टरों से अपना इलाज करा पाएंगे। लेकिन आज के पूरा दिन का तो खराब हुआ ही, उसके साथ ही वो पूरी परेशानी से ही गुजर रहे हैं, और ऐसे में सर्दी की रात शायद रिम्स में ही इनको गुजारनी होगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।